हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 30 अक्टूबर है और ये एसएससी जेई का लास्ट शिफ्ट है। मतलब ये लास्ट एग्ज़ाम है, एसएससी जेई 2020 का ये लास्ट शिफ्ट था, जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे शिफ्ट बहुत टफ था। तो जैसा अगर आप बोल रहे हैं टफ शिफ्ट है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स उसी अनुसार आपको मिलेगा। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन प्रोसीड्यूर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं जीए के क्वेश्चन। इस सेशन में मैथ्स आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जीए क्वेश्चन में समझने में कुछ कुछ यहाँ पे टिपिकल टर्म्स आएंगे, तो मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइट दैट स्कैटर मोस्ट। पूछा गया था लाइट जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। तो जैसे विजिबल लाइट्स हम लोग देख पाते हैं, तो विजिबल लाइट्स में कौन सा लाइट्स देखते हैं हम लोग? विबग्योर लाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें स्कैटर कौन सबसे ज़्यादा करेगा? तो इसमें वायलेट, वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है। सब वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। रेड का क्या होता है? वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन स्कैटरिंग किस कौन करता है ज़्यादा? वॉयलेट, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, करनाल डिजीज इज रिलेटेड टू, करनाल डिजीज रिलेटेड टू विच क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स के लिए होता है? तो ये वीट, मतलब गेहूं का एक तरह का बीमारी है, गेहूं जो रोग होता है गेहूं में, तो उसमें एक करनाल डिजीज होता है। पावर ऑफ एमएलए, विधायक को जो पावर दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल से दिया जाता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल आर्टिकल 105। संजीता चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, संजीता चानू कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछा गया था। तो इसमें होगा वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। तो वैसे तो संजीता चानू 48 kg का वेट लिफ्टिंग करती थी, लेकिन अभी ये 48 kg एंड 53 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करती है। इसके बाद पूछा गया था, आर्मी स्क्वाड मास्टर टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जैसलमेर में, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। इसके बाद क्वेश्चन आया था, फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी दे दिया था, उसमें एक ऑप्शन था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जो था वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स, किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी जो अपॉइंट किया गया है उनका नाम क्या है? सोमा, सोमा रॉय, रॉय बर्मन, सोमा रॉय बर्मन, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, काकोरी, काकोरी इंसिडेंट कब हुआ था? तो काकोरी इंसिडेंट कब हुआ था? 1925 में, 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ था। वैसे और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आपको बता देता हूँ, चंपारण कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में, और चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1931। मैं ये दोनों बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आया होगा कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे पहले चंपारण होगा, उसके बाद होगा काकोरी हत्याकांड, उसके बाद होगा चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर जी की मृत्यु, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, लक्स मीटर इज यूज टू मेजर, तो लक्स मेजर मीटर किसके लिए यूज होता था? ब्राइटनेस मेजर करने के लिए। कुछ ऐसा होता है, देखिए लक्स मीटर यहाँ आप रखिएगा लाइट का सोर्स में, तो यहाँ पे आपको लक्स का यूनिट दिखा रहा है, यहाँ लक्स लिखा हुआ, कितना लक्स है, ठीक है, यहाँ पे लक्स मीटर इसी को बोला जाता है। चलिए, इसके बाद पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलप नेटवर्किंग इज रिलेटेड टू, डायलप नेटवर्किंग किसके रिलेटेड है? तो ये विंडोज, विंडोज के लिए होता है डायलप नेटवर्किंग, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, 1929 में आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था? 1929 में आईएनसी का सेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर में। इसलिए मैंने आपके लिए पूरा ये लिस्ट लेके आया हूँ। देखिए 1885 में
जो आईएनसी की स्टार्ट हुई थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? एओयू द्वारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जो फर्स्ट जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, जिनकी प्रेसिडेंसी, मतलब जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। इन्होंने फर्स्ट सेशन में किया था, किसके साथ? 72 डेलीगेट्स, मीन्स 72 पीपल्स जो थे, 72 पीपल्स के साथ इन्होंने किया था। इसी तरीके से 1886 में कलकत्ता, 1887 में मद्रास, और 1888 में अलाहाबाद में सेशन हुआ था। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सेशन आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ आप उन्हीं सेशन को याद रखिए। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे रख याद रखिए, 1901 कलकत्ता का सेशन हेड किसने किया था? दीन सॉ ई वाचा के द्वारा। इसके बाद आप याद रखिएगा, 1906 में इसमें पार्टीशन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन रोका जो हुआ था, उसमें याद रखिएगा कलकत्ता में सेशन हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और यही इसी में स्वराज जो था वर्ड दिया गया था पहले समय। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 1907 में जो स्प्लिट हो गया था पार्टी, तो इसमें पूछा जा सकता है कौन थे प्रेसिडेंट उस समय? तो राज बिहारी घोष थे, राज बिहारी घोष। और जो पार्टी था वो दो गुटों में टूट गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट, मित गरम दल और नरम दल। ठीक है, इसके बाद 1908 में कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। राज बिहारी घोष जी ही कर रहे थे, जो कि प्रीवियस सेशन जो टूट गया था, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वही कंटिन्यू हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1913 में कराची में कौन हेड कर रहे थे? सैयद मोहम्मद। ठीक है, 1917 एक बार पूछा गया था, क्योंकि ये एनी बेसेंट यहाँ पे प्रेसिडेंसी कर रही थी, और ये फर्स्ट वुमेन बनी थी आईएनसी की, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1917 में कहाँ पे हुआ था या कौन प्रेसिडेंसी कर रही थी, तो कलकत्ता होगा इसका आंसर। और प्रेसिडेंट कौन थी उस समय? तो एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 में पूछा जा सकता है, 1919 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हेड कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। और इसी समय शोक जताया गया था किसका? जलियांवाला बाग मासकेयर। जलियांवाला बाग मासकेयर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया, मैं आपको बता दूं, 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया। और इसके हेड कौन कर रहे थे? सीआर दास। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट 1928 में कलकत्ता का सेशन मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे, और इसी समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बना था। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 1929 मैंने बता दिया जो लाहौर में हुआ था, और हेड किनके द्वारा? प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारे PDF मैं फॉर्म में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मैं उन्हें डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पूछा गया था बाजरा सीड्स का टाइप्स, पूछा गया था बाजरा सीड्स का, जैसे टाइप्स क्या होता, मतलब तो बाजरा सीड्स का एक टाइप्स होता है जिसका नाम है NH NHB67। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन, ग्रेफाइट सुने होंगे आप लोग, ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉप्स है कार्बन का, तो ग्रेफीन भी क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें पूछा गया था ये क्या इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है? तो ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था हु इज नॉट ए ब्राउजर, हु इज नॉट अ ब्राउजर पूछा गया था, हु इज नॉट ए ब्राउजर। इसमें ऑप्शन दे दिया था, गया था गूगल बिंग, ठीक है, क्रोम और मोजिला, गूगल क्रोम, और यहाँ पे कुछ दे दिया गया था, मोजिला दे दिया गया था। तो बिंग क्या है? बिंग एक तरह का सर्च इंजन है,
बींग एक तरह का क्या है, सर्च इंजन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था कि फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट कब हुआ था। तो इसका मैं बता दूं आपको, फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मतलब, नॉन कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि असहयोग, असहयोग अधिवेशन, ठीक है, असहयोग अधिवेशन जो होता है उसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो पार्टी रूल्ड करती है उस पे अगर वोटिंग करके उस पार्टी को हम लोग हटा भी सकते हैं। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 75 के पार्ट 3 में होता है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1963 में फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, और किसने किया था, तो ये किए थे आचार्य कृपलानी जी के द्वारा में हुआ था, ठीक है। ये आचार्य कृपलानी कौन थे, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। और उस समय कौन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1963 में, और अभी तक 2019 तक या 2020 तक कितना बार हो गया है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, 2017 में हुआ है, तो अभी तक टिल डेट कितना हो गया है, 27th नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है। इसके बाद पूछा गया था इन्वेंशन ऑफ बारकोड, किसने इन्वेंस किया है इन्वेंशन ऑफ बारकोड, तो बारकोड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो इसका आंसर होगा नॉर्मन जोसेफ, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा बारकोड बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हम आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये कौन है, ये कौन है, तो ये प्रेसिडेंट थी, ये प्रेसिडेंट है, तो इसलिए मैंने आपके सामने एक प्रेसिडेंट का लिस्ट लेके आया हूँ। देखिए ये नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थी, ये कब इलेक्ट हुए थी, 1977 में, और कब ऑफिस में आई थी, 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक क्या थी, प्रेसिडेंट थी। तो मैं आपके सामने ये प्रेसिडेंट का लिस्ट लेके आया हूँ। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था, 1884 से 1963। सेकेंड थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड जाकिर हुसैन। तो ये सारा लिस्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये हमारे जो अभी टिल नाउ प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पी के थुंगम कमिटी इज रिलेटेड टू, पी के थुंगम कमिटी किससे रिलेटेड थे, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड थी, ये पंचायती राज से रिलेटेड थी। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कमिटीज़ लेके आया हूँ, ये देखिए अभिजीत सेन कमिटीज़ किससे रिलेटेड थी, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से। अबीद हुसैन कमिटी किससे रिलेटेड थी, ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब छोटे उद्योग से। अजीत कुमार कमेटी किसके रिलेटेड थी, आर्मी के जो पे स्केल से, मतलब आर्मी के जो स्केल होते हैं पे स्केल, ग्रेड पे, तो उनको ग्रेड पे बोलते हैं, तो पे स्केल्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। एथरे कमेटी बनाया गया था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक थी जो, उसको रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए वो बनाया गया था। इसके बाद बेसल कमेटी था जो कि बैंकिंग नॉर्म्स को सुपरवाइज करती है, मतलब बैंकिंग नॉर्म्स को देखती है, तो इसके बनाया गया था बैंकिंग सुपरविजन के लिए। उसके बाद सी बाबू राजीव कमेटी बनाया गया था किसके लिए, सिप एक्ट 1908 के लिए, और सिप ट्रस्ट एक्ट 1963 एक्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सी रंग राजन कमिटी, ये किसके लिए बनाया गया था, मेथोडोलॉजी फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी,
मीन्स प्रॉपर्टी को किस तरीके से आकलन किया जाए, इसलिए बनाया गया था सी रंगराजन कमिटी। इसके बाद नेक्स्ट कमिटी है केलकर कमिटी, जो कि 2002 में बनी थी, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हुआ था। टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए बनी थी केलकर कमिटी। इसके बाद कोठारी कमीशन बना था, क्योंकि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडुकेशन सेक्टर के लिए ये कोठारी कमीशन बना था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो एडुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है उसमें कौन सी कमेटी एडुकेशन पॉलिसी लेके आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है नरिसम कमेटी, जो कि 1991 में बनी थी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। ये बैंकिंग सेक्टर को सुधार कैसे किया जाए उसके लिए बनी थी। राधा कृष्णन कमिटी, जो कि 1948 में बनी थी, ये किसके लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब एक यूजीसी होना चाहिए जो सारे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देखे, तो इसीलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहे जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बाद सरकारिया कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है, सरकारिया कमीशन, जिसमें सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप के बारे में बात किया गया है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स के बारे में। नेक्स्ट कमिटी है सुरेश तेंदुलकर कमिटी, जिसमें रीडिफाइनिंग द प्रॉवर्टी लाइन, मीन्स प्रॉवर्टी लाइन का जो कमिटी बन गई थी लेकिन उसको रीडिफाइंड किया गया था। मीन्स एक जैसे एक इक्वल पे के लिए, मीन्स वन डे का जो पेमेंट होता है उससे आप प्रॉवर्टी को डिसाइड नहीं कर सकते, इन्होंने बताया था, तो इसको रीडिफाइन किया था और उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला भी बताया था। इसके बाद नेक्स्ट कमिटी है जस्टिस ए के माथुर कमिटी, जिन्होंने सेवेंथ पे कमीशन को लाया था, किन्होंने, जस्टिस ए के माथुर कमिटी के द्वारा लाया गया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो आप लोग जानते होंगे केसिन प्रोजीन प्रोटीन रहता है। फिर पूछा गया था दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया है, तो कौन से डेट में ये हुआ है, मतलब दमन एंड दीव को, तो ये हुआ है आपका 26 जनवरी 2020 को ये दोनों मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद पूछा गया था संतोष पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है। संतोष पोर्टल इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है संतोष पोर्टल, तो ये कौन सा रिलीज किया था, ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया था। अभी हमारे लेबर मिनिस्ट्री कौन है, संतोष कुमार गैंगवार। अब आपको याद रखना कैसे है, देखिए लेबर क्या होता है, जैसे लेबर है इनका नाम है गैंगवार, तो गैंगवार नाम है, तो मैं थोड़ा नाम को इनका बदल देता हूँ, थोड़ा नाम में क्या रख देते हैं, गैंगमैन। आप लोग जान रहे हैं गैंगमैन कौन होता है, रेलवे में जो काम करता है, जो पटरियों पे काम करता है, उसको गैंगमैन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो एक तरीके का लेबर टाइप का काम करता है, तो इससे याद रख सकते हैं आप लोग लेबर मिनिस्ट्री कौन है, गैंगवार, तो इससे याद रख सकते हैं संतोष कुमार गैंगवार। मैं सिर्फ याद कराने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये सारे कुछ आए थे। इसके बाद पूछा गया था इंजाइम्स प्रेजेंट इन टीयर्स, टीयर में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो लाइजोजोनियम प्रेजेंट रहता है। इसके बाद पूछा गया था मीर मदान कौन थे और इसका मृत्यु कौन से अटैक में हुआ था, तो मीर मदान कौन थे, तो मीर मदान थे ये चीफ ऑफ आर्टिलरी ऑफ नवाब ऑफ सिराजुद्दौला के जो आर्मी के जो हेड थे उनका नाम था आर्मी हेड, मतलब
जो आर्मी हेड थे उनका नवाब ऑफ सिराजउद्दौला के, उनका नाम था मीर मदन, इनकी मौत हो गई थी। कब हो गई थी? प्लासी के युद्ध में हो गई थी। इनकी मौत कहाँ हुई थी? ये प्लासी के युद्ध में हो गई थी। इसके बाद पूछा गया था 2019 का व्यास सम्मान मिला है किनको? नसीरा अहमद जी को। तो नसीरा अहमद जी को जो व्यास सम्मान मिला है, ये जो मिला है ये किस बुक के लिए मिला है या किसके लिए मिला है? तो इनका बुक का नाम है कागज़ की नाव। कागज़ की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। और ये कौन देता है व्यास सम्मान? ये के बिरला फाउंडेशन देती है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपीस का चेक, 4 लाख रुपीस का चेक और कुछ मोमेंटोस दिया जाता है, मोमेंटेस दिया जाता है। ये कब से स्टार्ट है बिरला फाउंडेशन जो प्राइज दे रही है व्यास सम्मान, ये कब से दिया जा रहा है? ये 1991 से दिया जा रहा है। और फर्स्ट किनको मिला है? डॉक्टर राम विलास जी को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कर दिया है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।